वेलकम बैक टू माई चैनल। कैसे हो आप सब? कोविड काफ़ी बढ़ रहा है तो प्रिकॉशंस लेना बहुत ज़रूरी है, और मैं जहाँ आई हूँ यहाँ पूरे प्रोटोकॉल्स फॉलो किए जा रहे हैं, तो आप यहाँ आ सकते हो और अपना डिनर या फिर अपना बिरयानी इंजॉय कर सकते हो। और यहाँ ना गाइस बैम्बू बिरयानी मिलता है। मैं लास्ट टाइम जब कर्नाटका गई थी ना तो वहाँ खाई थी, और मुझे यहाँ मतलब मिल रहा रांची में, तो ये मैं सुनकर काफ़ी एक्साइटेड हो गई और मैं सोची चलो चलते हैं यहाँ का बिरयानी खाकर यहाँ का टेस्ट पता किया जाए। तो गाइस एक चीज़ और मैं बता दूँ, दिस वीडियो इज नॉट स्पॉन्सर्ड, इट्स माई पर्सनल ओपिनियन, सो यू कैन कम हियर। सो लेट्स गेट स्टार्टेड टू द वीडियो। आ जाओ, यहाँ एक चीज़ और बहुत इंटरेस्टिंग लगा कि रांची में ना चाय 10 रुपये या 20 रुपये का मिलता है और यहाँ 5 रुपये का चाय मिलता है, तो ये काफ़ी इंटरेस्टिंग है। चलो अंदर का व्यूज देखते हैं कि ये कैसा है। तो गाइस ये हमारे गर्मा गर्म बिरयानी बैम्बू वाला बिरयानी आ गया, और ये ना बस 2 मंथ्स ही हुए हैं ये खुले हुए, और ये हमारे सेफ हैं जिन्होंने ये बिरयानी बनाया है। गाइस ये हमारा बैम्बू बिरयानी आ चुका है, और इसका ना टेस्ट बता दें। ये हमारा इतना बड़ा बैम्बू में सर्व किया जाता है ये बिरयानी, और ये हमारा बिरयानी है, और ये सलमा है, और ये इसके साथ रायता है। इसका टेस्ट काफी अच्छा है, तो जब तक मैं इसे खाती हूँ ना आपको पता नहीं लगा ना, जल्दी से लाइक कर दो मेरे वीडियो को। ये आपको भी एक बार ट्राई करना चाहिए, ये जगह का बिरयानी ना मुझे बहुत अच्छा लगता है। तो ये ठंडा ना हो जाए मैं इसे तब तक खत्म कर देती हूँ, क्योंकि बहुत टेस्टी है। ये हमारे ना मेन कोर्स आता है, और इसमें हमारा नान है, और ये फोकस किया जाए, और ये हमारा मिक्स मसाला पनीर है। देखो ये कितना टेम्पटिंग दिख रहा है। तुम क्वारंटाइन हो जाओगे तो मेरा भी स्ट्रिक्टली मना कर देना। पनीर भी बहुत सारे हैं, हमारे पनीर भी बहुत है, मसाला भी बहुत है, ग्रेवी। अभी तुम ट्रस्ट नहीं कर सकते हो, प्रैक्टिकली बात कर सकते हो, मास्टर्स करना हो तो रिसर्च करना ही नो अंदर जाना होना से सबसे बेस्ट काफी सही है। अगर जाते हैं दिल्ली से तो मैं काम करूँगा।
आपको ये ट्राई करना चाहिए, ये जगह आपके लिए बेस्ट होने जा रही है, क्योंकि जो मैंने मेन्यू देखा था ना कहीं से आपको चिकन से स्टार्ट करो और फिर से करना होता, तो ये मतलब ये जगह ना आपके लिए बेस्ट है। इसका कॉम्बो ना बहुत अच्छा है, ये सब्जी बहुत टेस्टी है, ये आपको भी ट्राई करना चाहिए। और ये चिल्ली पनीर तो वाह बहुत है, तो दिल्ली हम सीधा बोलते हैं। और इसके साथ सर्व किया गया ग्रीन चटनी और रेड चटनी, इसके साथ में कुछ सैलेड भी मिले हैं। इसकी टेस्ट ना बहुत अच्छी है, वही बता रहा हूँ। सो गाइस, अगर आपको रेस्टो का एड्रेस चाहिए या फिर आपको एड्रेस ना मिले तो आप इस नंबर पे कॉल करके यहाँ पहुँच सकते हैं। और ये लालपुर में सिचुएटेड है। यहाँ का खाना मुझे बहुत पसंद आया, बहुत बेहतरीन था, आपको भी एक बार ट्राई करना चाहिए यहाँ अगर यहाँ का खाना अपने फैमिली और फ्रेंड के साथ। यहाँ मतलब ये जगह ना बहुत अच्छा है और नॉन वेजिटेरियन के लिए तो ये जगह फेवरेट आने वाला है, तो सेव कर लो ताकि आप नेक्स्ट बार आओ अपने फ्रेंड्स या फैमिली के साथ तो यहाँ आ सको। और ये जगह का खाना वाओ, मतलब इट वॉज अमेजिंग यार, तो आपको भी एक बार ट्राई करना चाहिए और आना चाहिए ये जगह। तो आज का अगर मेरा वीडियो अच्छा लगा तो पता नहीं क्या करना है, जल्दी से लाइक कर दो, शेयर कर दो, सब्सक्राइब कर दो और अपने दोस्तों को टैग करो ताकि वो भी ये जगह आ सके और इसका आनंद उठा सके। 3 So hey guys, welcome back to my channel. कैसे हो आप सब?